Good morning to all of you. Good morning, students. Inform to all, you should have to join the class. Inform to all, we have to join the class. Good morning, Ashish. Good morning to all of you. We should wait 2 minutes, inform to all to join the class, and we will start here. Within a 2 minutes, we will start the class. Inform to all should have to join. One minute only we will wait to the student and we will start the class. Good morning again to all of you. Should we start, beta? Class start ki jaye? आप लोग के जो भी क्वेरी हो, जो क्वेश्चंस हो, जो भी पूछना हो, मैं कमेंट सेक्शन भी देखता रहता हूँ. यू शुड हैव टू आस्क द क्वेश्चन एंड फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन. आप क्वेश्चन पूछें और आराम से चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे हम और चीज़ों को एलिब्रेट करेंगे एज पर योर क्वेरी. ओके, शुड वी स्टार्ट क्लास? Reply there. Ian, second year and third year के जो student हैं वो especially group में message को convey करें और उनसे बोलें कि वो class join करें फौरन. काफ़ी conceptual चीज़ें होंगी. और जिन लोगों की एक class miss हुई है, PLC fundamental की, कितने तरीके की PLC होती हैं, क्या PLC होती है, उसकी video YouTube पे पड़ी हुई है, उसे आप लोग वॉच कर लेंगे और समझ लेंगे. तो आज हम टाइप ऑफ PLC पर नहीं जा रहे हैं, आज हम किसी PLC को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आज हम सीधे उसकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि उसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग किस तरीके से हम लोग अटेंड करेंगे. ओके बेटा, तो सिंपल सी है बात है कि हम लोग प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और प्रोग्रामिंग की चीज़ें करेंगे. तो आई थिंक हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए क्लास. ओके, शुड वी हैव टू स्टार्ट. तो जैसे आप यहाँ पर देखें, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम. देखिए, तो आज हम लोग का जो एजेंडा है वो है PLC प्रोग्रामिंग. वो भी किस चीज की? लैडर लॉजिक की. ठीक है, तो लैडर लॉजिक की प्रोग्रामिंग, जिन लोगों ने क्लास अटेंड की होगी परसों वाली क्लास जो थी, उसमें हमने बताया था ना कि PLC की प्रोग्रामिंग क्या होती है, PLC कितने तरीके के होती हैं, 5 तरीके के हमारे PLC प्रोग्रामिंग के मेथड्स होते हैं. तो आप सिंपली यहाँ पर स्टडी करेंगे आज कि लैडर लॉजिक में प्रोग्राम कैसे करते हैं. ये भी एक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है और इसको स्टडी करने के बाद फिर हम डिज़ाइनिंग पर आएंगे. तो पहले आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर उसे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझाने के बाद तब हम शिफ्ट करेंगे किस पर? आपके डिज़ाइनिंग पर. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है. तकरीबन हम लोग 8 to 10 days हम लोग प्रोग्रामिंग को स्टडी करेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग है, इसमें मज़ा भी आएगी आप लोगों को और बिल्कुल सिंपल होती है. तो
अब हम सिंपली से करते हैं, आप इसे शेयर कर दें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ग्रुप में। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर मस्ट हैव टू पार्टिसिपेट। कुलदीप एंड आनंद, ये सारे क्लासेस में शेयर कर दीजिए और क्लासेस अटेंड करें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो। सीखना अच्छी बात होती है कल की, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बंदा ऑटोमेशन फील्ड में जाएगा तो एटलीस्ट उसको पीएलसी की प्रोग्रामिंग का आइडिया तो होगा। और अल्टरनेट डेज में, जैसे आप लोग को सिलेबस दिया गया है, अल्टरनेट डेज में हम लोग स्टडी करेंगे आईओटी को एज वेल एज पीएलसी को। अभी इस पर प्लेलिस्ट हम क्रिएट कर देंगे। प्लेलिस्ट क्रिएट करने के बाद आप अपने पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे जाके उसे स्टडी कर सकते हैं कि जो सीरीज़ चली, जैसे आईओटी की सीरीज़ होगी तो आईओटी के सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में रहेंगी, पीएलसी की सीरीज़ होगी तो पीएलसी के सारे जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके उस पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लेलिस्ट पे आप अपने कैटेगराइज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो शुड बी स्टार्ट। जैसे अब बात करते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग की, तो पीएलसी प्रोग्रामिंग व्हाट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पीएलसी बेटा, कौन बताएंगे? परसों क्लास में हमने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, कितने तरीके पे, मॉड्यूलर टाइप, कॉम्पैक्ट टाइप, ये सारी पीएलसी। तो एक पैनल जो ये देख रहे हैं आप, इस पैनल पे भी हम लोग अभी काम करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस पे हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से चीज़ें हम लोग करेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो बात ये आती है कि पीएलसी प्रोग्रामिंग होती क्या है और क्यों करते हैं। तो एक बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड बात है कि जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर जो बेसिक प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के लिए, मोस्टली एशिया में और भी अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मोस्टली हम लोग जो देखते हैं वो होता है लैडर लॉजिक। क्या होता है? लैडर लॉजिक। पांच हमने बताए थे, हाँ कुछ लोगों ने आंसर सही दिया है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और आप देख सकते हैं उसमें कि किस तरीके से चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर स्टडी करना शुरू करते हैं, और अभी भी टाइम है, शेयर कर दीजिए क्लास अपने कॉलेज के ग्रुप में ताकि स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ सिंपल सी बात है, अगर आप पीएलसी के लैडर लॉजिक की बात करें तो लैडर लॉजिक आपका जो प्रोग्रामिंग मेथड है, दैट इज एब्सोल्यूटली डिपेंडेंट ऑन द साइन एंड सिम्बल्स। दैट इज एब्सोल्यूटली डिपेंडेंट ऑन द साइन एंड सिम्बल एंड इट्स फंक्शंस। तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे और साइन एंड सिम्बल्स का यूज करके हम लोग करेंगे। जैसे आपका इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जैसे आप आर्डिनो को प्रोग्राम करते हैं, रेसबेरी पाई को प्रोग्राम करते हैं, या आप प्रोग्राम करते हैं किसी चिप को, जैसे एटमेल की कोई भी सीरीज की चिप हो, एवीआर की, एवीआर स्टूडियो पर प्रोग्राम करते हैं, तो सिंपल सा उसका जो मेथड होता है वो होता है क्या, आपका इंस्ट्रक्शन सेट वाली प्रोग्रामिंग। यू शुड हैव टू देयर, यू शुड राइट द प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शन सेट। तो आप क्या करते हैं, उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जिसे CUI बोलते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस। यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, हम लोग को फंक्शंस दिए होंगे एज वेल एज सिम्बल्स दिए होंगे। तो सिंबल और फंक्शंस को यूज़ करके हम लोग अपने प्रोग्रामिंग को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो कुछ सिंबल हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं क्या, एक सिंबल इस तरीके से आपको मिलेगा, दैट इज द बफर। क्या बोलेंगे इसे बेटा? बफर। आप इसे यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, इसे क्या बोलेंगे बेटा? इन्वर्टर। और आप अगर इसे यूज करेंगे तो ये क्या कहलाएगी आपकी? दिस विल बी द आउटपुट। ठीक, तो अलग अलग पीएलसीज की प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरीके के सिंबल। कुछ जगह पर इसी बफर को इस तरीके से भी लिखते हैं लोग, ऐसे इसी बफर को लोग, इन्वर्टर को ऐसे भी लिखते हैं, आउटपुट को ऐसे भी लिखते हैं। और मैं आपको वेरिएबल बता दूं, जो वेरिएबल यूज होंगे, तो वेरिएबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट जो आपके यूज होंगे वो होते हैं मेनली, जैसे आप कहेंगे इनपुट के लिए, तो हम एक कैटेगरी बना देते हैं आपको समझ आ जाए। अगर बात करेंगे आप इनपुट के लिए, तो इनपुट में आप देखेंगे कुछ पीएलसीज होती हैं जो आई से रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ पीएलसीज होंगी जो आपको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगी, कुछ पीएलसीज होंगी जो एस से रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, दीज आर वेरिएबल फॉर द इनपुट। और अगर वेरिएबल बात करते हैं आप आउटपुट की, तो आउटपुट के जो वेरिएबल होंगे वो होंगे आपके
कुछ जहां पर आई से रिप्रेजेंट होगा वहां पर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एक्स से रिप्रेजेंट होगा वहां से ये वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पर एस रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर से। तो ये आउटपुट के अलग अलग वेरिएबल होते हैं। इवन दैट इसी तरीके के आपके टाइमर में भी यूज होते हैं। तो हम लोग अभी साइन एंड सिंबल्स को देखेंगे, तो मेनली बफर, इन्वर्टर, आउटपुट आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिर कल की क्लास में हम लोग टाइमर वगैरह पर भी डिस्कस करेंगे। तो सिंपल बिल्कुल देखेगा, बिल्कुल सिंपल। क्या करेंगे हम लोग, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। हम लोग इस पैनल को आप देख पा रहे हैं, ये पैनल पे हम लोग प्रोग्राम अपलोड करके टेस्ट करेंगे। ये पीएलसी इलेक्ट्रोको सॉल्यूशंस के थ्रू डेवलप की गई है। इलेक्ट्रोको सॉल्यूशंस ने इसे खुद से पीएलसी को डेवलप किया और इसे डिजाइन करने के बाद वी यूज दिस वन फॉर पर्पज ऑफ द डिजाइनिंग, फॉर पर्पज ऑफ द प्रोग्रामिंग। तो सिंपल सी बात है कि ये इस पैनल पे आप लोग टेस्ट करेंगे। तो अभी इस पैनल पे हम नहीं आ रहे हैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अच्छा, जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम है आउटसील स्टूडियो। क्या नाम है बेटा? आउटसील स्टूडियो। तो जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर भी ऑन करके दिखाते हैं आपको प्रोग्राम करने के लिए, तो आउटसोर्स स्टूडियो। अब एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए प्रोग्रामिंग का। चलिए एक हेडिंग डालिए आप लोग, इनपुट आउटपुट इनिशियलाइजेशन। तो हम जब स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम किसी भी पीएलसी का इनपुट और आउटपुट कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। आउटपुट इनिशियलाइज द इनपुट एंड आउटपुट। अभी भी थर्ड ईयर एंड फोर्थ जो आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें अभी भी आप इन्फॉर्म करिए, दे हैव टू ज्वाइन द क्लास। दे हैव टू ज्वाइन द क्लास। वो इलेक्ट्रॉनिक्स को हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सीखना मैटर करता है, यहाँ पर ब्रांच मैटर नहीं करती। अगर कल का इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट ऑटोमेशन फील्ड में जाएगा तो क्या वो पीएलसी के कॉन्सेप्ट का काम नहीं करेगा? तो ये दिमाग से बात निकाली कि आज आईओटी की क्लास नहीं हो रही है तो हम क्यों पीएलसी की स्टडी करेंगे चीज़ों को। तो आप पीएलसी भी पढ़िए, आईओटी भी पढ़िए। आप घर पर हैं, आप घर पर रह के चीज़ों को स्टडी करिए। इट डजेंट मैटर कि आप किस तरीके से डील करते हैं, यू शुड हैव टू ज्वाइन द क्लास बेटा। इन्फॉर्म करिए सारे स्टूडेंट्स को, दे हैव टू ज्वाइन। ओके, चलिए हम लोग इनपुट आउटपुट इनिशियलाइजेशन करते हैं। हम लोग कहते हैं कि इनपुट आउटपुट इनिशियलाइजेशन, मतलब हम इनपुट और आउटपुट को इनिशियलाइज करेंगे। किसकी इनपुट आउटपुट को? पीएलसी की इनपुट आउटपुट को। अब बात आती है इनपुट आउटपुट की। तो इनपुट और आउटपुट ये डिपेंड करता है पीएलसी में कौन सी आप पीएलसी यूज कर रहे हैं। एलन बेडली, मिसिबिशी, डेल्टा, एमरॉन, फटेक, विकॉन और सीमेंस, आपकी बहुत सारी पीएलसीज होती हैं, एबीबी, सेलेक, अलग तरीके की पीएलसीज हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पीएलसीज में अलग अलग तरीके की इनपुट और आउटपुट होते हैं। जैसे एलन बेडली कॉन्सेप्ट यूज करता है, वो कहता है कि आपके छह आउटपुट होंगे और आठ इनपुट होंगे। तो उसे कहते हैं 8/6 आयो इनपुट आउटपुट। कभी वो कहता है कि आपके 12 और 8 का रेशियो लेता है, यानी 12 इनपुट एंड 8 आउटपुट। लेकिन अगर आप मित्सुबिशी की बात करें, मित्सुबिशी की अगर बात करेंगे, तो मित्सुबिशी कहता है कि जितने इनपुट उतने आउटपुट। तो डिपेंड करता है कि वो पीएलसी कौन सी है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। और एक चीज हम क्लियर करा दें, तो चाहे जो भी पीएलसी हो, वॉट एवर काइंड ऑफ पीएलसी इज, उस पीएलसी में आपको सारे मेथड, सारी चीजें, सारे फंक्शन सिमिलर मिलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होते हैं। 98% चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी, मेथड सिमिलर मिलेंगे, चीजें सिमिलर मिलेंगी। तो अगर आप इस प्रोग्रामिंग मेथड को समझ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से चीजों क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर इसको, इनपुट आउटपुट इनिशियलाइजेशन। तो आप जैसे देखेंगे, तो सबसे पहले जब पीएलसी का भी हम प्रोग्राम चलाएंगे तो उसमें देखेंगे कि दो वर्टिकल लाइंस होंगी। तो इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं रंग, RUNG। अगर आप रंग को सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड देयर रंग इज द स्पेस बिटवीन टू वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज रंग। तो यहाँ पर जो लैडर लॉजिक होती है प्रोग्रामिंग, वो कुछ इस तरीके से होगी कि आप यहाँ पर कुछ चीजें लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग साइन एंड सिंबल्स को ड्रॉ करते हुए जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे सीढ़ियों जैसा ये बन गया, लैडर जैसा? तो लैडर जैसा होने की वजह से ही इस लॉजिक को लैडर लॉजिक कहा गया, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इज लैडर लॉजिक। तो लैडर लॉजिक को जो कहा गया उसको सिंपली किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे वो देखते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं,
इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे इनपुट नंबर वन, इनपुट नंबर टू, यहाँ पर सिंबल जो हम लोग यूज करेंगे एस वन को, एस टू को, एस थ्री को यूज करते हुए आउटपुट पे हम लोग जो ले जाएंगे वो क्या ले जाएंगे, सिंपली आपका आर वन को, आर टू को और आर थ्री को, यानी तीन इनपुट और तीन आउटपुट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी थ्री इनपुट एंड थ्री आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, यानी ये ट्रिगरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे स्टडी करना शुरू करते हैं, प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी प्रोग्राम करने के लिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम करने के लिए आपको किस तरीके के मेथड को अपनाना होगा ये आप लोग देखें। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को यहाँ पर प्रोग्रामिंग का। तो जो सॉफ्टवेयर हम ओपन करने जा रहे हैं उसका नाम है आउटसील स्टूडियो। ओके बेटा, तो चलिए आउटसील स्टूडियो को हम ओपन करते हैं। तो आप लोगों को डेस्कटॉप दिख रहा है, डेस्कटॉप शेयर हो रही है मेरी, इज इट, इट इज शेयरिंग द डेस्कटॉप। ओके हाँ बेटा, देखिए यहाँ पर हम लोग आउटसील स्टूडियो को ओपन कर रहे हैं। दिस वन इज द सॉफ्टवेयर टू विच वी हैव टू यूज आउटसील स्टूडियो। तो जब आउटसील स्टूडियो को आप ओपन करेंगे तो इसमें आप दे पाएंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ साइन एंड सिंबल्स आपको चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कैसा इसमें होगा। वी शुड स्टार्ट द आउटसील स्टूडियो। तो आप देखिए आउटसील स्टूडियो का प्लेटफॉर्म है, इट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ द आउटसील स्टूडियो। ओके तो हम आपको दो दो चीजें बताते जाएंगे सिंपली कि आप यहां पर पैनल में देखें, पैनल पे भी हम लोग टेस्ट करेंगे। यू विल यूज द पैनल एज वेल एज यू विल यूज द प्रोग्रामिंग। तो दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, प्रोग्रामिंग भी साथ में करते चलेंगे और आप पैनल भी देखेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ओके बेटा, सो वी शुड हैव टू प्रोसीड। अब बात क्या आती है कि सिंपली इसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। यू शुड हैव टू सेलेक्ट द बोर्ड एंड सेलेक्ट द पोर्ट। तो आप पोर्ट सेलेक्ट करें और पोर्ट के साथ साथ आप बोर्ड सेलेक्ट करें। तो देखिए कैसे सेटिंग करेंगे, यहाँ से जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। यू शुड हैव टू सेलेक्ट द यूनो शील्ड, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूनो यूज कर रहे हैं, और आपको इसे सेलेक्ट करना होगा कौन सा बोर्ड है आपका। दैट मीन यू शुड हैव टू यूज द कम्युनिकेशन पाइप देयर इज, तो आप उसे भी कनेक्ट कर दें। ओके तो कनेक्ट कराने के बाद आप क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करने के बाद हटाएंगे। आफ्टर दैट यू शुड हैव टू द लैंग्वेज, चूज द लैंग्वेज। आप इंग्लिश चूज कर लें क्योंकि इंग्लिश में ये चीज़ें होंगी। आफ्टर दिस वन, अब आपको दिख रहा होगा आइकन पे, आइकन पे अगर आप देखें तो सिंपली क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर एक आपको वर्टिकल लाइन शो हो रही होगी, देयर इज द वर्टिकल लाइन। तो अगर आप इसे और बढ़ाते चले जाते हैं तो देखिए ये सिंबल जैसे लैडर की तरह बनता चला जा रहा है। ओके तो लैडर की तरह बनने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लैडर लॉजिक। दिस इज कॉल्ड द लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग मैथड। अब बात यह आती कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे, कैसे चीज़ों को इंटरफेस करेंगे, पैनल से कैसे ये इंटरफेस होगा। तो जो बेसिक हमने इंटरफेसिंग की क्लासेस बताई हैं आपको, वो उसमें आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, अब इस पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये ऑनलाइन जाने का एक मेथड है, डिज़ाइन है, सिमुलेशन है, टेस्ट है, अपलोड है, डाउनलोड है। तो एक एक सिंबल को आप लोग अभी देखते हुए चलेंगे। तो सिंपली देखिए सिंबल का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपको प्रोग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको टेस्ट करना होगा तो ये टेस्ट बटन को यूज करेंगे। अगर आपको प्रोग्राम को कंप्यूटर से पीएलसी के अंदर भेजना है, यानी उसके ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में अगर आपको प्रोग्राम को भेजना है तो आप क्या करेंगे बेटा, प्रोग्राम इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी में अगर आप प्रोग्राम को भेजते हैं कंट्रोलर के,
तो आपको अपलोड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप पीएलसी से प्रोग्राम वापस लाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी से अगर प्रोग्राम को लाना चाहते हैं तो आप डाउनलोड का यूज करेंगे। अगर आप पैनल को और कंप्यूटर को एक साथ होने वाले चेंजेस एंड फंक्शन को देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फंक्शंस का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए वर्चुअल सिमुलेशन में देखना चाहते हो तो आप सिमुलेशन का यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें कॉन्सेप्चुअली आप चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेरा प्रोग्रामिंग को। तो हमारा प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम कहता है कि तीन इनपुट को और तीन आउटपुट को हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। वी शुड हैव टू इनिशियलाइज द थ्री इनपुट एंड थ्री आउटपुट। ओके, जैसे हम कहेंगे कि तीन इनपुट और तीन आउटपुट को हमें इनिशियलाइज करना है, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे इनिशियलाइज करेंगे हम लोग। देयर विल बी अ सिंबल, आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में जाएं, यू शुड हैव टू चूज द लैंग्वेज इंग्लिश, और अपलोड डाउनलोड ऑनलाइन सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। अब जैसे मान लीजिए आप इंस्ट्रक्शन में गए तो यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल दिख रहे होंगे। मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा और, तो यू विल सी हियर द मैग्नीफाइड थिंग। तो आप लोग यहाँ पर देखें सिंबल्स, ऊपर देख पा रहे हो बेटा, मैग्नीफाई हो गए, पढ़ पा रहे हो ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए यहाँ पर एक एनओ सिंबल लिखा हुआ है जिसे हम लोग बफर भी कहते हैं। नॉर्मली ओपन, एन सी स्टैंड फॉर नॉर्मली क्लोज, जिसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं। ओ एस आर वन शॉर्ट राइज, ओ एस ए वन शॉर्ट फॉल, इन सारे फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे बेटा। तो कुछ बिट वाइज होते हैं, कुछ आपके टाइमर फंक्शंस हैं, और कुछ आपके कंपेयर फंक्शंस होंगे, कुछ होंगे आपके मैथमेटिकल फंक्शन, कुछ लॉजिक फंक्शंस होंगे, कुछ आपके बिट होंगी, कुछ मेमोरी बिट्स होंगी, कुछ आपके एरेज होंगे, कुछ कंट्रोल होंगे जैसे पीआईडी कंट्रोलर हुआ। तो अलग अलग तरह की यहाँ पे चीज़ें आप स्टडी करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑन यानी कि एनो जो आप देख रहे हैं, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, और हम आउटपुट, अभी हम इन तीनों का यूज़ करते हुए लॉजिक क्रिएट करते हैं और समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सिंपली हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों को इस पे प्रोग्राम करना है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आप चाहें तो इसके स्केल अप कर सकते हैं, बड़ा घटा सकते हैं, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो हम मैग्नीफायर को हटा दे रहे हैं, आपको दिखेगा यहाँ से। तो सिंपली देखिए अब हमें करना क्या है प्रोग्राम को, प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको जो मेनली कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे कराएंगे हम लोग अप्लाई, देखिए। शुड वी स्टार्ट बेटा? सिंपली, बिल्कुल सिंपल होता है, देखिएगा आप लोग ध्यान समझिएगा। आप एक सिंबल को ड्रैग करिए और ड्रॉप कर दीजिए, यहां से आप एक सिंबल को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे। इसी तरह से आउटपुट को ड्रैग करिए और ड्रॉप कर दीजिए, यहां पर प्लस करिए, यहां से आप इसे ड्रैग करिए और क्या करेंगे आप, यहां से ड्रॉप कर देंगे। यहां से एक और इंक्रीज करिए, यहां से आप इसे ड्रैग करिए और क्या कर देंगे बेटा, यहां पर ड्रॉप कर देंगे। इट इज द फंक्शन। अब इसके बाद देखिए सिंपली आपको करना क्या है, सिंपल क्या है, यहां पर आपको वेरिएबल डिफाइन करना होता है। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पिक डेटा में जाइए। पिक डेटा में आप जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि स्विच नंबर वन, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, इसे स्विच नंबर टू डिफाइन कर दीजिए, स्विच नंबर थ्री डिफाइन कर दीजिए। अब यहाँ पर जाएंगे तो आप रिले है, रिले नंबर वन डिफाइन कर दीजिए, रिले नंबर टू डिफाइन कर दीजिए, रिले नंबर थ्री डिफाइन कर दीजिए। इतना डिफाइन करने के बाद आप सिंपली देखेंगे कि ये वेरिएबल्स हमने क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, पैनल को भी देखिएगा और इसे भी देखिएगा, यू विल बी एबल टू सी देयर अ वेरी वे गुड वे। तो आप देखिए जैसे आपको ये पैनल दिख रहा है, पैनल में ये ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ये इंडिकेटर्स हैं बेटा, दीज आर द इंडिकेटर्स। तो अगर आप ये बात करें कि इंडिकेटर्स क्या हैं, तो आपके ये 220 वोल्ट से चलने वाले आपके इंडिकेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ इंडिकेटर लगे हैं, मतलब ये पीएलसी कितने आउटपुट के है बेटा, 8 आउटपुट के है। दिस पीएलसी इज ऑफ 8 आउटपुट। और अगर आप इसे देखें तो ये बटन नीचे लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड पुश बटन। क्या कहते हैं बेटा, दीज आर द पुश बटन। तो पुश बटन आपकी दो तरीके की होती हैं, एनओ टाइप होती है और एनसी टाइप होती है। एनओ स्टैंड फॉर द नॉर्मली ओपन और एनसी स्टैंड फॉर द नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ पर नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज की दो आपकी ये बटन होती हैं। तो जो आपको ग्रीन वाली दिख रही हैं, ग्रीन कलर, वो होती हैं आपकी नॉर्मली ओपन, और जो रेड कलर दिख रही हैं वो होती हैं आपकी नॉर्मली क्लोज। तो
सिंपली हम क्या करेंगे, इस पैनल को आपको प्रोग्राम करके हम दिखाते हैं और लाइव चला के दिखाते हैं। तो प्रोग्राम तो हमने कर लिया, प्रोग्राम करने के बाद देखिए ये केबल इससे कनेक्टेड है लैपटॉप से। तो दिस केबल इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ योर पीसी टू योर पीएलसी। तो पीसी से पीएलसी को कम्युनिकेशन में लाने के लिए हम लोग एक कम्युनिकेशन केबल का यूज करते हैं। तो सिंपली एक बात है कि हम कम्युनिकेट कैसे करा पाएंगे, आप यहाँ पर सिंपली देखिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपली है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये। अब देखिए मजेदार बात यह है कि सिंपली जैसे ये हो गया, आप टेस्ट पर क्लिक करिए, टेस्ट वेरीफाई करिए, तो यहाँ पर क्या लिख के नीचे आया, नो मिस्टेक्स, मतलब कोई तरह किसी भी तरीके के एरर नहीं है, तो एरर को नहीं बताएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अपलोड का ऑप्शन है। आप अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करके रिस्पॉन्ड करेगी आपको। तो जैसे यहाँ पर वो रिस्पॉन्ड कर गई, रिस्पॉन्ड करने के बाद इसने क्या लिखा, अपलोड सक्सीडेड, मतलब कि प्रोग्राम आपका लैपटॉप से पीएलसी के अंदर क्या हो गया है, अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद अब हम क्या देखेंगे, इसे ऑनलाइन देखेंगे कि भाई स्टेट्स क्या हैं, किस तरीके के वो चल रहा है, कैसे इनपुट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे आउटपुट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जाएंगे। जैसे आप ऑनलाइन जाएंगे, देखिए बेटा आपको दिख रहा है कि रिले नंबर 1 इज इनएक्टिव मोड, रिले नंबर 2 इज एक्टिव मोड एंड रिले नंबर 3 इज इनएक्टिव मोड। क्यों ऐसा क्यों है, इस बात को जो समझ गया वो प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएगा। और क्लास में मैं फिर कह रहा हूँ, शेयर द लिंक टू द स्टूडेंट, दे मस्ट हैव टू अपियर इन द क्लास, क्योंकि उन्हें क्लास में अपियर होना चाहिए और चीज़ों को सीखें। वी आर एब्सोल्युटली एफर्टिंग फॉर यू फ्रॉम आवर एंड, और कॉलेज आपके लिए इतना कुछ एफर्ट करके चीज़ों को करा रहा है, तो यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द क्लास एंड लर्न द न्यू थिंग्स यार, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्निकल स्किल्स आपके पास जितनी अच्छी होंगी, यू विल जस्ट बूम अप योर कैरियर्स। तो सिंपल सी बात है, आपके अपने भविष्य का मसला तेजी से आप बूम अप कर पाएंगे अपने करियर को, ओके, हाइक मिल जाएगी आपको, सिंपल सी। तो यहाँ पर देखें 1, 2 एंड 3, हम तीन आउटपुट को यूज कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3। लेकिन अगर आप इंडिकेटर में देखें, तो इंडिकेटर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्विच नंबर 2 इज एक्टिवेटेड और यहाँ पर क्या जा रहा है आपका, रे नंबर 2 पर एक्टिवेट हो जा रही है। मतलब ये सिंपल सा है कि यहाँ पर जो स्विच नंबर 2 लगी हुई है वो कौन सी, जो आपको दिख रही होगी स्विच नंबर 2, यहाँ पर जो लगी हुई है वो स्विच आपकी नॉर्मली क्लोज है, एनसी है। तो नॉर्मली क्लोज स्विच का सिंबल जो होता है वो ये कहता है कि भाई ये करंट को कंटिन्यूअस क्या करेगी, पास करती रहेगी। और नॉर्मली ओपन क्या कहता है कि ये कंटिन्यूअस ओपन रहेगा, कुछ इस तरीके से आप समझिए। वी विल जंप टू द सेक्शन एंड वी विल डिस्क्राइब टू दीज थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू लर्न हियर। तो आप देखें जैसे कि थोड़ा सा हम आपको इसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का एक कॉन्सेप्ट पहले समझा देते हैं, फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग पर आते हैं वापस। ओके बेटा, अब आप लोग को स्क्रीन दिख रही है, तो जैसे हम लोग कहेंगे नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज फर्स्ट। तो जैसे नॉर्मली ओपन का कॉन्सेप्ट समझे, नॉर्मली क्लोज का कॉन्सेप्ट समझे, तो आप देखेंगे किस तरीके से इसे हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए सिंपल, अब हम नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज को इनिशियलाइज करते हैं। तो जैसे आप सिंबल देखें, तो नॉर्मली ओपन का जो सिंबल होता है वो स्विच का, वो किस इस तरीके से होता है बेटा, दिस इज द सिंबल ऑफ द एनओ बटन। क्या कहते हैं, एनओपीबी, क्या कहेंगे, एनओपीबी, नॉर्मली ओपन पुश बटन। और जो दूसरा सिंबल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखें आप लोग, दिस विल बी द सिंबल ऑफ नॉर्मली क्लोज, यानी एनसी पीबी, नॉर्मली क्लोज पुश बटन। तो आप एनओ एनओ बटन भी कह सकते हैं, एनसी बटन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एनओपीबी और एनसीपीबी, ये दो तरीके के पुश बटन होते हैं। अच्छा आप देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल लोड हम लोग अप्लाई करते हैं, यह सपोज इज देयर इज द बल्ब, तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक बल्ब अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी क्या किया, एक बल्ब अप्लाई कर दिया, यहाँ पर बल्ब लोड के तौर पर लगा दिया, तो आपने इससे कनेक्ट करा दिया, इसको और इसको भी कनेक्ट करा दिया। यहाँ पर आपने दे दिया सप्लाई कितना, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, कितनी सप्लाई दे दी हम लोगों ने, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो अगर आप देखें कि
220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, जैसे यहाँ पर हम लिख के दे रहे हैं सप्लाई, या आप कितना सप्लाई दे रहे हैं 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। और यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पर, यहाँ पर क्या कह दे रहे हैं हम लोग, न्यूट्रल, क्या कर दे रहे हैं बेटा न्यूट्रल। तो देखिए यहाँ फेज से करंट निकलेगी, ये आपका फेज है और वो क्या है आपका न्यूट्रल है, तो फेज से करंट यहाँ पर आएगी और यहाँ पर रुक जाएगी, लेकिन नॉर्मली क्लोज के थ्रू ऐसे करंट होते हुए पास हो जाएगी। मतलब क्या है, नॉर्मली क्लोज में करंट यूं जाएगी और इस तरीके करके ये पास हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एनओपीबी में यहाँ पर करंट क्या होगी, रुक जाएगी। अब ये अभी क्या होगा, ऑफ होगा ये, लेकिन क्या होगा अभी, क्योंकि करंट पास हो रही है, इसका लूप कंप्लीट हो रहा है फेज एंड न्यूट्रल का, तो ये वाला बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। तो एक सिंपल सी बात समझ में आई कि जब आप एनओ बटन को पुश करेंगे तो ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा, यानी अगर वो एनओ है तो आफ्टर द पुश, अगर आप उसे पुश करते हैं तो क्या बन जाएगा, वो एनसी बन जाएगा। और कोई बटन वो एनसी है यानी आफ्टर द पुश वो क्या बन जाएगा, एनओ बन जाएगा, यानी कि अपनी स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। जैसे यहाँ पर नॉर्मली ओपन बटन है, आप इसको पुश करते हो तो ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा और करंट को क्या कराएगा, पास कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सिंपली इसको प्रेस कर तो ये क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा, यानी कि वो एनओ करके मतलब ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेगा, करंट को ब्लॉक कर देगा। क्लियर? तो एक सिंपल सी बात है यहाँ पर, बहुत सिंपल सी बात है कि नॉर्मली ओपन बटन यूज फॉर द ट्रिगरिंग द आउटपुट, व्हेन यू पुश द बटन आउटपुट बिकम ऑफ, एंड इफ यू पुश द बटन टू एनसी एंड इट विल द आउटपुट विल बी ऑफ। तो ये इसे क्या, पुश बटन को ऑन प्रेस करने पर ये आउटपुट ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर इसको बटन को प्रेस करने पर एनसी बटन को क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे आप इसको रिलीज करते हो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा, और जैसे आप इसको रिलीज करते हो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एनओ बटन और एनसी बटन को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रिप्लाई करिए फौरन, आपको एनओ और एनसी को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आई के एनओ एनसी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोई और जिसे ना समझ में आया हो तो मैं रिपीट कर दूँ वो चीज़ दोबारा, आई विल रिपीट दैट वन अगेन। आई होप कि आप लोगों को एनओ और एनसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी। ओके गुड, शुड वी प्रोसीड, प्रोग्राम टेस्ट किया जाए बेटा, प्रोग्राम टेस्ट करें हम लोग। ओके, तो प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म आप लोगों को देख रहा है बेटा, देख रहा है? स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को प्रोग्राम की? देखिए तो सिंपल सा, जैसे आपको ये पैनल दिख रहा है, पैनल पे क्या हो रहा है अब आपको समझ आ जाएगी। तो एनओ बटन आपका क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरा वाली जो बटन है, सेकंड बटन, वो एनसी है, यानी वो कंटिन्यूअस पीएलसी को इनपुट भेज रहा होगा, कंटिन्यूअस वो पीएलसी को इनपुट क्या कर रहा होगा, भेज रहा होगा। अच्छा ये किसी को एनओ एनसी में कुछ और पूछना हो तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़े। विद इन अ सेकंड यू शुड हैव टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनओ एंड एनसी, एनी डाउट इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द एनओ और एनसी पुश बटन। कमेंट सेक्शन में लिख के आप फौरन बताइए कि एनओ और एनसी पुश बटन को अगर किसी को और स्टडी करनी हो या और कोई कॉन्सेप्ट है या उसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो वो मुझसे डिस्कस कर दे।
सुरभि स्टार्ट बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए सेकंड नंबर क्या है, एनसी यानी वो कंटिन्यूअस भेज रही होगी इसके पास करंट को, और ये कौन है, दोनों एनओ है जो कि करंट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा। अब देखिए अगर हम एनओ वाली यानी पहली बटन को पुश करेंगे, स्विच नंबर वन को पुश करेंगे, तो यहाँ पर ये करंट को क्या करेगा, पास कराएगा और रिले आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो सिंपल कह सकते हैं कि रिले आपकी क्या हो जाएगी, ये एक्टिवेट हो जाएगी रिले नंबर वन वाली। तो देखिएगा मैंने इसको पुश किया, इसने अपने स्टेट को चेंज किया और करंट को क्या कर दिया, पास कर दिया। तो ये यहाँ पर एक्टिवेट होगा, कब तक एक्टिवेट रहेगा, जब तक मैं इसको पुश करके रखेंगे। जैसे मैं इसको रिलीज करेंगे, जैसे हमने इसको रिलीज किया क्या हो गया, ऑफ हो गया। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा, जैसे आप इसको स्विच को प्रेस करते हैं ये क्या करेगा, जो करंट पास हो रही है यानी जो एनसी बटन थी अब वो क्या बन गई, एनओ बटन बन गई। तो जैसे आप इसको रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस वो एनसी बनेगी, फिर से क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात क्या आती है कि तीसरी बटन हमारी कौन सी है, आप लोग देख पा रहे होंगे पैनल, तो पैनल में अगर आप देखो तो तीसरी बटन कौन सी है हमारी, तीसरी बटन है हमारी एनओ बटन। तो एनओ बटन का मतलब क्या है, यहाँ पर करंट को रोका है, ये नहीं वो ब्लॉक कर दे रहा है करंट को, लेकिन जैसे हम उसको पुश करेंगे वैसे ही क्या बनेगी, एसरी एनसी बनेगी और एनसी क्या कर देगी, पास कर देगी। जैसे आप इसको पुश करेंगे क्या कर देगा, पास कर देगा। तो सिंपली पास होने पर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और आप आउटपुट में भी देख सकते हैं, आउटपुट पैनल में भी एक्टिवेट हो जा रहा है उसी तरीके से। ठीक है, तो सिंपली हम इसको रिलीज करेंगे फिर से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी तरीके से आप सारी बटन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बटन्स में आप क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजीली, और कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। यू विल बी एबल टू जस्ट शो वेरी इजीली। ओके, तो अब जैसे एनओएनसी का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा थोड़ा सा, अब आपको बफर और इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ओके, तो जैसे कोई बटन है, बफर एंड इन्वर्टर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है बेटा, अगर कोई बटन एनओ बिहेवियर वाली है, अगर हम उसको एनसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि है बिहेवियर उसका एनओ, यानी वो बटन कौन सी यहाँ पे दिख रही है, जैसे मान लो स्विच नंबर वन आपको दिख रही है एनओ, लेकिन हम इस बटन को क्या बनाना चाहते हैं, एनसी जैसा बनाना चाहते हैं, तो इसका जो बफर का सिंबल है, यानी जो सिंबल देख रहे हैं यहाँ पर आप सिंबल बफर का, उसे क्या बना लेंगे, इन्वर्टर। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टर्न नॉर्मली क्लोज, तो एनसी बना दिया हमने, तो नॉर्मली ओपन थी उसको क्या बना दिया, नॉर्मली क्लोज। और जैसे यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इस टू आपकी एनसी है, लेकिन हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, नॉर्मली ओपन। तो आप क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, इन्वर्टर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एनओ है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं, हमने स्विच नंबर वन का बिहेवियर बदल दिया है, स्विच नंबर टू का बिहेवियर बदल दिया है। अगर इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करें, अपलोड कर दें वापस, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, और रिस्पॉन्ड करने के बाद RSTS के बाद ये क्या हो जाएगा, डन। और डन होने के बाद अपलोड सर्टिफिकेट लिखेगा और आप सीधे कहाँ चले जाएंगे, ऑनलाइन। जैसे आप ऑनलाइन जाएंगे वैसे आपको चीज़ें समझ में आएगी कि ऑनलाइन पे बिल्कुल होल्डिंग की प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। वी विल डिस्कस लेस द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक लेटर, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग, होल्डिंग, इंजिन जॉगिंग, आपका इंटरलॉकिंग, टाइमर फंक्शन, टी ऑन, टी ऑफ, आर टी ओ, ये जितने भी तरीके के फंक्शन हैं हम सब डिस्कस करेंगे। तो आप देखते चलिए और जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ लिया करें। देखिए यहाँ पर आप देखिए, अब हमने क्या किया, जो स्विच नंबर वन थी जो एनओ थी अब वो क्या बन गई, एनसी, इसलिए करंट को क्या कर रही है, पास कर रही है। लेकिन स्विच नंबर जो आपकी एनसी है वो क्या बन गई अब आपकी एनओ, इसलिए वो करंट को पास नहीं कर रही है, यानी सिग्नल पास नहीं कर रही है, और एनओ अभी भी एनओ है इसलिए नहीं पास कर रहा था। देखिएगा अभी जो बटन एनओ था वो एनसी जैसा बिहेव करने लगा, स्विच नंबर वन, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे क्या हो जाएगा, ये वापस से क्या बन जाएगा, वापस से ये क्या बन गया, एनओ, और रिलीज किया फिर एनसी बन गया। यानी कि आप किसी फिजिकल बटन के बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्मली क्लोज बटन है, और नॉर्मली क्लोज बटन आपकी क्या थी, अभी तक वो बनी हुई थी एनसी, लेकिन हमने इन्वर्टर यूज करके उसे क्या यूज कर बना दिया, इन्वर्टर यूज करके हमने क्या बना दिया बेटा, उसे बना दिया एनओ। तो अब आप इसको पुश करेंगे तो देखिए वहां पर क्या हुआ, इंडिकेटर ऑन हुआ, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लाइक द कौन सी बटन बेटा, इट विल बिहेव लाइक एनओ बटन, वेरी गुड।
तो यहां पर आप ये देखें सिंपली यहां पर अगर थर्ड बटन को प्रेस करें तो भी वो क्या कर दे रहा है, ऑन कर दे रहा है। इट मींस कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पर आपका कि जो बटन एनो है उसे आप एनसी बना सकते हैं, जो एनसी है वो एनो बना सकते हैं। तो बिल्कुल सीधे सीधे हम चीजों को बता रहे हैं, आप कोशिश करिए इसको लिखने की, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। अगर आपकी जो बटन है, जो भी बटन है, अगर आप उस बटन में एनसी को नॉर्मली क्लोज को एनसी की तरह यूज करना चाहते हैं तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, बफर। क्या यूज करेंगे, बफर। यू शुड हैव टू यूज द सिंबल बफर। इस लॉजिक को क्लिक कर लीजिएगा माइंड में, इट इज वेरी यूजफुल लॉजिक फॉर यू। अगर ये कोई समझ गया तो प्रोग्रामिंग में उसे कभी भी पैनल को देखते हुए कभी प्रोग्राम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यू शुड हैव टू लर्न दिस वन। आप जैसे मान लीजिए एनसी को एनसी की तरह यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, बफर। अगर आपको एनओ को एनओ की तरह यूज करना है, यानी नॉर्मली एनओ बटन है, नॉर्मली एनओ बटन की तरह यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, बफर। यहाँ भी क्या यूज करेंगे, बफर। अब मान लीजिए बिहेवियर पलटना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम बटन है हमारी एनसी लेकिन हम उसको यूज कैसे करेंगे, एनओ की तरह। किसकी तरह बेटा, एनओ की तरह। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन्वर्टर, यानी किसकी तरह यूज करेंगे, इन्वर्टर की तरह। और एक बात ये समझ में आती है कि अगर मान लीजिए हमारी जो बटन है वो कौन सी है, सिंपली अगर आप यूज करना चाहते हैं एनओ को एनसी की तरह तो क्या यूज करेंगे, इन्वर्टर। क्या यूज करेंगे, इन्वर्टर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे आप कहेंगे एनसी को एनसी की तरह यूज करना चाहते हैं तो क्या क्या यूज करेंगे, सिंबल बफर। और अगर एनओ को एनओ की तरह यूज करना चाहते हैं तो भी कौन सा सिंबल यूज करेंगे बेटा, बफर। और अगर एनसी को एनओ की तरह यूज करना चाहते हैं तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इन्वर्टर। और अगर आप एनओ को एनसी की तरह यूज करना चाहते हैं तो भी कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इन्वर्टर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई होगी। जी कब ये बात में कंफ्यूजन तो नहीं बेटा आप लोगों को, ये बात आपको समझ आ गई। बात समझ गए आप लोग, शुड वी प्रोसीड बेटा। ओके तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि बफर मेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए अब कुछ लॉजिक क्रिएट करते हैं, हम लोग लॉजिक बनाते हैं। जैसे अब हम बनाना चाह रहे हैं एक इनपुट से चार आउटपुट को कंट्रोल करना, क्या करेंगे बोलिए बेटा, वी आर गोइंग टू यूज वन इनपुट टू कंट्रोल एंड स्विच देन फोर आउटपुट। एक इनपुट से चार आउटपुट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक इनपुट पर हम ट्रिगर करें और चार आउटपुट हो जाए। तो चार आउटपुट का मसला क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा, ये पहली जो क्लास है आज की, जो इस क्लास को सही तरीके से अटेंड कर गया उसे प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज ट्राई टू अटेंड एंड इन्फॉर्म टू योर कोलीग्स हु आर रियली इंटरेस्टेड अबाउट दिस वन। तो चलिए हम बताते हैं चार आउटपुट को जैसे कैसे हम लोग इसे कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से चीजें होंगी। सो यू शुड हैव टू ज्वाइन हियर, देखिए सेम रैप कर दे रहे हैं बेटा। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम पुश यानी बटन नंबर वन से, जो आपका पैनल में बटन नंबर वन है उस बटन नंबर वन से हम यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका पुश बटन नंबर वन, तो हम इतना चाहते हैं सिंपल सा, ये है आपका फेस और ये क्या है आपका न्यूट्रल। मान लीजिए आपके पास एक इनपुट से आप चार आउटपुट को क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू कंट्रोल फ्रॉम वन इनपुट टू फोर आउटपुट, तो कैसे करेंगे, चार आउटपुट ले लेते हैं।
आउटपुट नंबर लेते हैं हम, देखिए ध्यान समझिएगा, आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 5, आउटपुट नंबर 2 एंड आउटपुट नंबर 3, ऐसे समझिएगा 1, 2, 3 एंड 5। हम ध्यान समझिएगा, यानी हम कौन कौन सा आउटपुट टारगेट कर रहे हैं, आउटपुट नंबर 1 यानी कि हम टारगेट कर रहे हैं रिले नंबर 1 को, रिले नंबर 2 को, रिले नंबर 3 को और रिले नंबर 5 को। These are output number 1 and output number 2, output number 3 and output number 4। ये चार तरीके के आपके आउटपुट हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इनपुट कौन सा यूज करेंगे, इनपुट यूज करेंगे इनपुट नंबर 1 को, यानी कि स्विच नंबर 1 को। सिंपल सा, यानी स्विच नंबर 1 हमारा क्या होगी, इनपुट नंबर 1। तो हम एक इनपुट से चार आउटपुट कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि हम एक बार बटन को प्रेस करें तो क्या हो जाए, चार आपकी आउटपुट कंट्रोल हो जाए। देखिए कैसे, तो सिंपली आप कहेंगे कि सर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक बटन लगा दीजिए आप, एनो एनो बटन को लगा दीजिए। हम कहेंगे ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ पर आप चार आउटपुट कनेक्ट करा दीजिए, तो कहेंगे ये आउटपुट नंबर 1, तीसरे क्या कहेंगे हम लोग इनपुट नंबर 1। उसके बाद इसके पैरेलल में हम आएंगे, कहाँ आएंगे बेटा, पैरेलल में, तो पैरेलल में एक और लगा देंगे इस तरीके से, दूसरा फिर हम एक पैरेलल में आएंगे, फिर पैरेलल में फिर और एक लगा देंगे इस तरीके से, और एक पैरेलल में आएंगे तो हम लोग पैरेलल में इस तरीके से इसको लगा देंगे और कनेक्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 2, आउटपुट नंबर 3, आउटपुट नंबर 4। देखिए यहाँ पर करंट रुकी होगी, करंट यहाँ पर आपकी रुकी होगी, आई इज हियर, करंट आपकी यहाँ रुकी होगी। जैसे ही आप इस बटन को पुश करेंगे वैसे ही करंट आएगी और इस रास्ते पर, इस रास्ते पर, इस रास्ते पर, इस रास्ते पर जैसे ही पहुंचेगी, और ये किससे कनेक्टेड है बेटा, न्यूट्रल से। तो जैसे ये लोड, ये लोड, ये लोड, ये लोड, चारों लोड आपके इससे कनेक्ट हो जाएंगे, वो चारों क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। इट मींस कि चारों एक साथ क्या कर जाएंगे, एक साथ चारों ट्रिगर करेंगे। ओके, कि ये चारों ट्रिगर करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, देखिए these four will be triggered and the output will be ensured to this one। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग इसे finalize करेंगे, we will finalize to this one। तो आई थिंक ये तो समझ आ गई होगी सब लोगों को, लेकिन इसको प्रोग्राम में कैसे बनाएंगे, हाउ वी शुड हैव टू कन्वर्ट इट इन टू द प्रोग्राम, तो हम इसे प्रोग्राम में कैसे बनाएंगे। तो अगर आप बात ये करें कि प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग की अगर आप भी बात करते हैं तो सिंपली इसे साइन एंड सिंबल्स का यूज़ करेंगे हम लोग। तो साइन एंड सिंबल्स का हम लोग यूज़ करने के बाद क्या करेंगे बेटा, सिंपली साइन एंड सिंबल्स का यूज़ करने के बाद वी शुड हैव टू ड्रॉ द लैडर लॉजिक प्रोग्राम। तो इसी को कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, जिसको समझ ना आए वो प्लीज़ बता दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया। तो देखिए हम यहाँ पर इसी लॉजिक को इन प्रोग्राम हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या लॉजिक लगाएंगे, सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा, ये लैडर लॉजिक का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ये वाला जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्विच नंबर 1, क्या असाइन कर रहे हैं बेटा, स्विच नंबर 1। ये कैसी है, ये एनो टाइप है, और आपकी पैनल में जो स्विच नंबर 1 है वो कैसी है, वो भी क्या है, एनो टाइप है। तो एनो बटन को एनो बटन की तरह यूज कर रहे हैं, फिर से सुनिएगा ध्यान से, एनो बटन को एनो बटन की तरह यूज कर रहे हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, एज अ बफर, क्या यूज करेंगे, एज अ बफर। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अगर एनो बटन को एनो बटन की तरह यूज कर रहे हैं स्विच नंबर 1 को, तो हम एज अ बफर यूज करेंगे। आउटपुट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और चारों किसमें है, पैरेलल में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट नंबर 1, आफ्टर दैट आउटपुट नंबर 2 एंड आफ्टर दैट आउटपुट नंबर 3 आपका होगा। लेकिन यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस बात का है, रिले से है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि रिले है, तो रिले नंबर 1, रिले नंबर 2, रिले नंबर 3 और क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर रिले नंबर 5, क्योंकि हम लोगों ने जो आउटपुट डिफाइन किया था R1, R2, R3, R5 किया था, R1, R2, R3, R5। तो चलिए इस प्रोग्राम को बना के और टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम सही है या नहीं, इज इट प्रोग्राम राइट और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। ओके,
सेटिंग है आपको पैनल विजिबल होगा, इज इट द पैनल विजिबल बेटा? थोड़ा सा चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ताकि आपको स्क्रीन और बोर्ड सारी चीज़ें शेयर हो सके, तो आसानी से आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आई होप कि आपको पैनल विजिबल होगा, ठीक है। चलिए तो इसको स्क्रीन आ रही, स्क्रीन आप लोगों को इज इट विजिबल द स्क्रीन? हाँ बेटा, तो प्रोग्राम हमारा ये था। तो चलिए नया प्रोग्राम बनाते हैं। तो नया प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सब वही काम सबसे पहले आप रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप पीएलसी का मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, विच काइंड ऑफ पीएलसी मॉड्यूल इज गोइंग टू यूज। तो आप जो भी पीएलसी मॉड्यूल यूज करना है आप उसे यूज करिए। तो यहाँ पे सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद यूनो यूज कर रहे हैं तो पीएलसी आप यूनो भी यूज कर लीजिए। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, जो इंग्लिश चूज करना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज कर लीजिए। इट्स वेरी सिंपल, और ये एक बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। ओके, तो एक बार आप करते हैं और चीज़ों को समझ जाते हैं। तो सिंपली अब कैसे प्रोग्राम करेंगे, वही तरीका। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका रंग है प्लस को क्रिएट करेंगे, एक रंग क्रिएट होगी। आपको एक क्या चाहिए, सिंपल सा आपको चाहिए होगा सिंबल। तो आप जाएंगे यहाँ से किसमें, सिंबल पे। तो आपको चाहिए एक एनो को एनो की तरह यूज करें तो बफर चाहिए, बाकी चार आउटपुट चाहिए होगा। तो आउटपुट नंबर वन, आउटपुट आफ्टर दैट यू शुड हैव टू यूज योर केबल एंड देयर विल बी द आउटपुट नंबर टू। आफ्टर यू शुड रिक्वायर द केबल हियर, यानी ब्रांच रंग बोलते हैं इनको, यानी ब्रांच रंग कहेंगे हम। तो कितनी होगी, एक दो, और ये क्या है, और तीसरी दैट मीन्स कि आप यहाँ पर थर्ड वन यूज़ कर लेंगे। एक हमें और चाहिए होगी, एक यहाँ पर और ब्रांच रंग ले लीजिए। ब्रांच रंग लेने के बाद यहाँ पर अब इसे बार बार ड्रैग नहीं करना है, कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सी से ड्रैग एंड ड्रॉप, देखिए जैसे हम लोगों ने बनाया था उसी तरीके से सिंबल क्रिएट हो गया। समझ आ रही बेटा आप लोगों को, इज इट कन्विंसिबल टू यू बेटा? आप लोगों को समझ आ रही है? ओके, देखिए अब इसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो यहां पर जाएंगे हम लोग पीएलसी के किसमें, पीक डेटा में। तो पीक डेटा में जाने के बाद यू शुड हैव टू यूज हियर स्विच नंबर वन। तो आपने देखा स्विच नंबर वन, सॉरी यू शुड हैव टू यूज द स्विच नंबर वन, ये हो गया आपका S1। ओके, अब ये चारों को क्या करना है, हमें रिले हैं तो रिले नंबर वन यूज कर रहे हैं, रिले नंबर हम टू यूज कर रहे हैं, रिले नंबर हम थ्री यूज कर रहे हैं, और क्या यूज कर रहे हैं बेटा, रिले नंबर फाइव यूज कर रहे हैं। तो हमने चार पांचों रिले को यूज कर लिया। इतना करने के बाद प्रोग्राम को क्या कर देंगे बेटा, अपलोड कर देंगे। यू शुड हैव टू अपलोड द प्रोग्राम हियर। तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपलोड। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम विल रन एंड हियर यू कुड वॉच इट हैज बीन रिस्पॉन्डेड। तो प्रोग्राम आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली कि जैसे देखा आपने कोई एरर नहीं थी तो इसने लिख दिया प्रोग्राम अपलोड सक्सीडेड, तो यानी अपलोड सक्सीडेड हो गया। अब ऑनलाइन आ जाइए, ऑनलाइन आती है आपको दिख रहा है यहाँ पर ये करंट रुकी हुई जो ग्रीन बन जा रहा है, क्या ग्रीन सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ तक आपकी इनपुट सिग्नल पहुँच रहा है। और जैसे ही आप क्या करेंगे, इसे प्रेस करेंगे, यानी कि ये एक्टिव होगा, येलो हो जाएगा। जब येलो मोड में हो ये समझिए वो पर्टिकुलर इनपुट एक्टिवेटेड हो गया है, और ये आगे सिग्नल को पास करेगा, ये चारों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में है तो सिग्नल चारों को मिलेगा, जिसकी वजह से ये चारों क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। देखिए मैं स्विच नंबर वन को क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, आई एम पुशिंग द स्विच नंबर वन। जैसे ही मैंने स्विच नंबर वन को प्रेस किया वैसे ये चारों क्या हो गए बेटा, एक्टिवेट हो गए, इट हैज बीन एक्टिवेटेड फोर। और जैसे ही मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ वैसे ये चारों क्या हो जा रहे हैं, ऑफ हो जा रहे हैं। जैसे आप इसे वापस प्रेस करते हैं क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे आप रिलीज करेंगे उससे क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यू शुड हैव यू कुड यूज टू मेथड टू एक्टिवेट इन वन ऑफ फोर। तो एक एक इनपुट से आप चाहे जितने आउटपुट को एक्टिवेट करा सकते हैं, नो डाउट। और ये तरीका आप सिंपल भी देख सकते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें एक्टिवेटेड होती हैं, जैसे आप देख भी रहे होंगे, यू कुड फाइंड द इनपुट नंबर वन टू थ्री एंड फाइव। तो पाँच ही एक्टिवेट हो रहे हैं,
आपको पुश करने पर देख सकते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 5 दीज आर बी मोटिवेटेड। ओके तो देख सकते हैं आप लोग, एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? आप देख सकते हैं। अब बात यह आती है कि कैसे इसको और तरीके का प्रोग्रामिंग मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से शुरू करेंगे, तो आप इसमें लर्न करेंगे वेरी इजीली। यू विल बी एबल टू देख रहे हैं आप लोग, जैसे हम लोग बटन को पुश करते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट था इनपुट आउटपुट इनिशियलाइजेशन का, ठीक है, इनपुट और आउटपुट इनिशियलाइजेशन। तो चलिए एक प्रोग्राम पढ़ते हैं हम लोग सिंपल। राइट डाउन आउटपुट होल्डिंग, आउटपुट होल्डिंग का। तो जो हम प्रोग्राम पढ़ेंगे वो क्या होगा, आउटपुट होल्डिंग का बेटा, ठीक है। तो आउटपुट होल्डिंग में देखिए किस तरीके से आउटपुट की होल्डिंग कराते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आउटपुट होल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एंड यू शुड हैव लर्न दैट, क्योंकि आउटपुट होल्डिंग को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो आप आउटपुट होल्डिंग ओके शुड आई रैप दिस, मैं इसे रैप कर दे रहा हूँ। तो होल्डिंग के लिए जैसे हम कहें कि एक मान लीजिए एक हमने आउटपुट ले लिया, सपोज एक हमने बल्ब ले लिया, ठीक है, और इसे अटैच कर दिया हमने किससे, एक एनो बटन से इसे अटैच कर दिया बेटा, एक एनो बटन से। जैसे आपने एनो बटन से अटैच किया वैसे ही आप देखेंगे कि इस बटन को पुश करते ही करंट जाएगी, ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस बटन को रिलीज करेंगे, मैं थोड़ा सा से नीचे लिख देता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन बैट ऑन ऑफ दिस वन। आप देखिए यहाँ पर सिंपली क्या होगा, जैसे आप कहेंगे कि सर यहाँ पर एक काम करिए, आप यहाँ पर एक एनो बटन लगा दीजिए, नाउ वी शुड हैव टू कनेक्ट किया एनो बटन। और ये किससे कनेक्ट होगा बेटा, जाके मान लीजिए कनेक्ट होता है किसी बल्ब से, किससे कनेक्ट हो रहा है बल्ब से, तो आप यहाँ पर बल्ब से कनेक्ट करा दीजिए। ओके अब क्या करेंगे, हाँ बेटा क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पर आप देखिए जैसे ही आप इसको कनेक्ट कराते हैं उसके बाद जैसे इस बटन को आप क्या करेंगे, पुश करेंगे वैसे ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे रिलीज करेंगे ऑफ हो जाएगा। तो मान लीजिए स्विच नंबर आपकी 1 है और ये रिले नंबर आपका 5 है, क्या है, R5 है, रिले नंबर 5 है, या कह सकते हैं रिले नंबर 2 है, रिले कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कहेंगे रिले नंबर 2 है। अब जैसे आप इधर पुश करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम इज देयर कि अगर आप इसे पुश करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होगा बताइए, रिलीज करते ऑफ हो जाएगा, लेकिन हमको इसको कंटिन्यूअस ऑन रखना है, और यानी कि एक बार आप बटन को पुश करके छोड़ दें तो वो कंटिन्यूअस ऑन हो जाए। इस मेथड को बोलते हैं होल्डिंग, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आउटपुट होल्डिंग, होल्ड कर लेना, यानी जैसे ही बटन उसको इनपुट मिलता है वैसे वो आउटपुट क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है, दिस विल कॉल्ड द आउटपुट होल्डिंग। तो देखिए आप लोग सिंपली हम इसको कैसे होल्ड कराते हैं, तो होल्ड कराने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वेरी सिंपल, अगर हम इसको बटन को पुश करें यहाँ पर एक्टिवेट हो जाए, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हम लोग लगा दें कॉन्टैक्ट लगा दें जिसको पुश करने पर आउटपुट ट्रिगर कर जाए, यानी इसी का एड्रेस यहाँ पर हम डाल दें, क्यों डाल रहे हैं, इसका मतलब है सिंपल, आप बटन को पुश करेंगे यहाँ पर सिग्नल जाएगा, जब ये एक्टिवेट होगा तो इसका रेफरेंस एड्रेस यहाँ पर पड़ा है, तो ये रेफरेंस एड्रेस इसको रीड करता है, यानी R2 का आपका R2 के रेफरेंस एड्रेस को रीड करता है, वैसे ही क्या बन जाएगा NC, और करंट अपने अंदर से ऐसे करके बाईपास करा देगा। जैसे ही करंट यहाँ से पास होगी, अगर बटन आप रिलीज भी कर देती तो फिर भी तो करंट जाती रहेगी। भाई देखिए आपने बटन को पुश किया, ये एक्टिवेट हुआ, ग्लो किया, जैसे ही ग्लो किया इसने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, जैसे ही कनेक्ट किया तो करंट तो यहाँ से जाएगी ना बेटा, इस तरीके से
जैसे ही करंट यहां से जाएगी ये एक्टिवेटेड रहेगा आफ्टर रिलीजिंग द पुश बटन, तो आउटपुट होल्ड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम यहां पर सबसे बड़ी ये होगी कि सिंपली आप यहां पर इसको वापस से ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ऑफ करने के लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, एक बटन लगाना होगा जिसका बिहेवियर कैसा हो, एनसी टाइप हो। क्या हो, एनसी टाइप। ये क्या है आपका एनओ और ये क्या है आपकी एनसी। तो आपके पैनल में कौन सी लगी हुई है, एनसी सेकेंड, ठीक है, यानी कि एस टू लगी हुई है। तो आपने कहा कि यहां पर सर इस प्रोग्राम को लैडर लॉजिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे होगा, जैसे आप इस बटन को पुश करेंगे करंट यहाँ जाएगी, यहाँ से रिलीज होकर करंट आ रही है तो यहाँ से जाके यहाँ जाएगी, ये एक्टिवेटेड होगा, ये होल्ड हो जाएगा, कंटिन्यूअस एक्टिवेटेड होगा। लेकिन करंट तो इसी के अंदर से आ रही है बेटा, जैसे ही आप इसको पुश करेंगे करंट का जो ये लूप है ये टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा ये ऑफ होगा तो यह वापस क्या बन जाएगा, ये वापस बन जाएगा एनओ। जैसे ये वापस एनओ बनेगा वैसे ही क्या करेगा, आउटपुट आपका ऑफ हो जाएगा। तो कह सकते हैं इन शॉर्ट इट इज स्टार्ट बटन। ये कौन सी बटन है, स्टार्ट, और ये कौन सी बटन है, स्टॉप बटन। तो इसे कह सकते हैं आप इट इज स्टार्ट बटन एंड इट इज स्टार्ट स्टॉप बटन। और इसे क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे आप होल्डिंग कॉन्टैक्ट ऑफ रिले नंबर टू, यानी आउटपुट की होल्डिंग के लिए कॉन्टैक्ट यूज किया गया। और ये क्या है हमारा आउटपुट, क्या है बेटा ये आउटपुट, दैट इज, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सिंपल, अब चलते हैं हम लोग जल्दी से इसका प्रोग्राम बना के और टेस्ट कर लेते हैं। ओके बेटा, वी शुड टेस्ट द प्रोग्राम। स्क्रीन को हम कंपेटेबल बना दें ताकि आप देख सकें और प्रोग्राम भी बना कर हम लोग टेस्ट कर लेंगे। क्यों बेटा, वेरी सिंपल, दैट इज तो आप लोग पैनल को देखें, यू वी शुड हैव टू वॉच द पैनल हियर। तो स्क्रीन दिख रही होगी आपको, पैनल भी दिख रही होगी, दोनों चीज़ें दिख रही होंगी। ओके यू विल वॉच, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर, थोड़ा सही से डाउन कर लेते हैं, अब आपको पैनल दिख रहा होगा, आई होप। इज इट नोट डाउन कर लिया बेटा आप लोगों ने, विच इज स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम को देखते हुए, देखिए बोर्ड पर अभी वो बना भी हुआ है उसी को देखते हुए यूज़ करते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, आप बहुत सिंपली प्रोग्राम को बनाएं और देखें, पैनल भी दिख रहा होगा, वी विल यूज दिस वन। तो जैसे आप कहें कि सर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो वही बात है, सिंपल में जाइए। तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो एन सी बटन है, दैट इज लुक एन सी, एनसी बटन को हम लोग किसी तरह यूज करें बेटा, यहाँ पर देखिए पैनल में स्विच नंबर टू क्या आया कि एनसी। तो अभी आपने नोट कराया था आपको, जब एनसी बटन को एनसी की तरह यूज करते हैं, इफ यू यूज द एनसी एज एन एनसी बटन देन वी शुड हैव टू यूज बफर। क्या यूज करेंगे बेटा, बफर। एनसी को एनसी की तरह यूज करें तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बफर। अब यहाँ पर स्विच नंबर वन जो आपकी स्टार्ट बटन है उसे क्या कहेंगे, एनओ को एनओ की तरह यूज करें, हम क्या करेंगे इन्वर्टर, सॉरी बफर। एनओ को एनओ की तरह यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, बफर। तो यहाँ भी हमने क्या यूज कर लिया, बफर। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटपुट। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने एक क्या करनी है, यहाँ पर केबल लगानी है, ब्रांच रन लगानी है। तो ब्रांच रन में भी हम जान रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को सिंबल क्या करना है, सिंपली यहाँ लगाना है। देखिए पहले की तरह जो आपका डायग्राम बना हुआ था उसी की तरह ड्रॉ हो गया। तो ये वाली बटन है हमारी स्टॉप बटन, तो यहाँ पर कौन सी बटन है, स्विच नंबर टू। तो आप जाइए प्रोग्राम में पीएलसी के और यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, पिक डेटा में। तो पिक डेटा को उठाइए और यहाँ पर क्या करिए, स्विच नंबर कौन सी है ये बेटा, स्विच नंबर वन इज हियर एनओ बटन एंड स्विच नंबर टू इज हियर एनसी बटन और वी शुड हैव टू स्विच टू द रिले और रिले को ये क्या करा देंगे, हम यहाँ से होल्डिंग करा देंगे।
तो रेरे के होल्डिंग कराने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप इसे अपलोड करिए प्रोग्राम को। और अपलोड करने में देख लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो अपलोड करने के बाद आप लोग देखिए प्रोग्राम आर्डिनो पर रिस्पॉन्ड करेगा और वो डन हो जाएगा। अपलोड सक्सीडेड, अपलोड होने के बाद क्या करेंगे, आप ऑनलाइन आ जाइए। जैसे ही आप ऑनलाइन आएंगे देखेंगे यहाँ पर चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, वेरी वेरी एफिशिएंटली यू कुड वॉच योर। तो सिंपली चीज़ें, अगर आप मान लीजिए आप इसमें सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कौन सी स्टार्ट है कौन सी स्टॉप है, तो देखिए मैं इस बटन को रिमार्क करके लिख देता हूँ यहाँ पर स्टार्ट पीबी पुश बटन एंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने डिफाइन कर दिया स्टार्ट पुश बटन। मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, इसको रिमार्क करके दे रहा हूँ स्टॉप पीबी पुश बटन। और आफ्टर दैट ये आपका क्या है, आउटपुट। तो क्या कहेंगे इसे, आउटपुट। ओके, यू शुड हैव राइट हियर आउटपुट एंटर एंड दैट विल बी एंटर। अब देखिए ये पूछ रहा है जहां जहां आउटपुट है वहां पर मैं क्या कर दूं, उसे आउटपुट कॉल कर दूं, मैं कहूंगा यस। तो देखिए यहां पर ये आउटपुट है, यहां पर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। वेरी सिंपल, द सॉफ्टवेयर्स ऑफ द पीएलसीज आर वेरी फ्रेंडली टू यूज और बहुत आसान होती है सिंपली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप फिर से इसे क्या कर देते हैं प्रोग्राम को बेटा, अपलोड कर देते हैं। व्हेन यू चेंजेस इन प्रोग्राम यू शुड हैव टू अपलोड। अगर आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम को चेंजेस करते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसे अपलोड कर देंगे। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ऑनलाइन आ जाइए। ऑनलाइन आने के बाद आप चेक देखिए कि S1 तक बटन रुकी हुई है, यानी कि यहाँ तक S1 तक ये क्या है, रुका हुआ है। अगर जैसे ही S1 को प्रेस करेंगे आगे बाईपास है, यानी करंट को भेजेगा, सिग्नल भेजेगा। और आउटपुट जैसे ही एक्टिवेट होगा वैसे ये वाला जो आउटपुट है ये अपने अंदर से क्या करेगा, बाईपास कर लेगा। तो आप जैसे ही स्विच नंबर 1 को प्रेस करते हैं वैसे ही वहाँ पर करंट जाती है और देखिए एक्टिवेट होता है। अब मैं स्विच नंबर को छोड़ दूँ भी, रिलीज भी कर दूँ, तो भी आपका आउटपुट क्या हो गया, एक्टिवेटेड है। इट मीन्स इट हैज बीन होल्ड। ये क्या हो गया, करंट क्या कर गई, होल्ड कर गई। वेरी सिंपल, करंट क्या कर रही है बेटा, होल्ड कर रही। अब क्या करेंगे, आप इसे स्टॉप करेंगे। तो स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, आप जो बटन है यहाँ पर उसे पुश करेंगे और क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे ही आपने स्टॉप बटन को पुश किया, होल्डिंग करंट ब्रेक हुई और ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जैसे ही आप स्विच नंबर 1 को प्रेस करते हैं वैसे ही करंट यहाँ पर जाती है, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इट्स वर्किंग एंड इट्स होल्डिंग टू द आउटपुट, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इंडिकेटर आपका 1 नंबर, रिले नंबर 1 क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब कोई जैसे मान लीजिए रिले नंबर 1 की जगह पर उसे रिले नंबर 2 कहना चाहे या कोई कहना चाहता है रिले नंबर, तो आप जो कहना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे और वैसे सॉरी पिक डेटा में, और पिक डेटा में आप जाके आप कह दीजिए नहीं हम इसे रिले नंबर 2 करना चाहते हैं, इट्स योर विश, यू हैव चेंज हियर रिले नंबर 2, रिले नंबर 2 शुड बी अकॉम्प्लिश हियर। प्रोग्राम को अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे। ऑनलाइन के बाद देखिए स्टार्ट बटन को जैसे मैंने पुश किया, करेंट आगे गई, होल्ड हो गया। तो आउटपुट चाहे जो भी आप रख दीजिए वो आपके डिपेंड करता है कि 8 आउटपुट में से कौन से आउटपुट यूज कर रहे हैं। 8 में से कोई भी आउटपुट अगर चूज करते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा। इवन दैट अगर यहाँ पर मैं कई सारे आउटपुट भी लगा दूँ तो वो भी होल्ड हो जाएंगे। सिंपल सा है। धीरे धीरे आप अपने लॉजिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो सिंपली आप समझ पा रहे होंगे व्हाटएवर आई वांट टू से, व्हाटएवर वी आई एम ट्राइंग टू से। ओके, आप स्टॉप करना है इसको, तो स्टॉप बटन तो हमारी S2 है। जैसे आप S2 को प्रेस करेंगे बटन क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो बटन क्या कर गई, स्टॉप कर गई। वेरी सिंपल। तो ये आपका मेथड क्या है, होल्डिंग का। ठीक है, होल्डिंग मेथड है। बाकी चीज़ें कल हम लोग डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस थिंग्स टुमारो। तो कल आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। आप अपने स्टूडेंट का साथियों से बात करिए कि क्लासेस स्टार्ट हैं, टॉपिक ना छूटें, आप रेगुलरली क्लासेस को ज्वाइन करें, पढ़ें, सीखें और अपने चीज़ों को आगे बढ़ाएं। सिंपल सी बात है, इफ यू आर ट्राइंग, वी आर अफर्टिंग फॉर यू, सो यू शुड हैव टू मेक योर एफर्ट योर सेल्फ और लर्न द थिंग्स। क्योंकि हम अपने एंड से जितना कर सकते हैं वो चीज़ें कर रहे हैं, आप अपने एंड से भी एफर्ट करिए और लर्न करिए चीज़ों को। ओके, तो शेयर करिए आप इस इंफॉर्मेशन को ताकि स्टूडेंट जिनकी क्लास आज छुट्टी हुई है वो भी इसे ज्वाइन करके इसे देख सकें, और जिनकी क्लास अटेंड कर रहे हैं दे विल बेनिफिशियल फॉर दैट वन। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? एग्जैक्टली, हाँ संगीत, संगीत गौतम,
ये बेटा इसे ही होल्डिंग हम कहते हैं, आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ाई गई आज वो आपको समझ आई? कोई कन्फ्यूजन इसमें? कोई कन्फ्यूजन, एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू हैव? चलिए फिर आज के लिए इतना ही बात सकते हैं, कल से आप लोग 4:11 पे आएँ। और आज इसलिए ज़्यादा हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, जिसकी वजह से क्लास थोड़ा सा चीज़ें छूट जाएंगी उनकी, और भी चीज़ें हैं। तो सिंपली क्या है कि कल से हम लोग इंटरेक्ट होते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। ओके बेटा, सी यू टुमारो एट द शार्प शार्प 11, ठीक है? 11 बजे हम लोग मिलते हैं और कंटिन्यूअसली स्टडी करते हैं, ठीक है? इन्फॉर्म टू ऑल, संगीत और पीयूष, अंकुल, ये सारे लोग अपने क्लासमेट्स को, सबके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। बहादुर, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, अनिकेत, सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए आप लोगों की क्लासेस रन करती हैं, सीखें। डी आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। डिड यू एंजॉय द क्लास? आपको क्लास में चीज़ें समझ में आई, मज़ा आई पढ़ने में, सीखने में? बेसिक बिल्कुल, अभी बहुत फंडामेंटल, अभी बहुत सारे, अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये बहुत सारे सिंबल वो ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर आइकन्स हैं, ये सारे फंक्शंस हम लोग को पढ़ने हैं धीरे धीरे करके, तो बहुत चीज़ें हैं आप सीख पाएंगे। ओके, सी यू टुमारो बेटा। वी विल मीट यू एंड गेदर फॉर लर्निंग पर्पज। थैंक यू वेरी मच। सो विच यू हैव टू प्रोसीड। ओके बेटा, आप लोग की अटेंडेंस मेंटेन हो रही है या अपना सोचे अटेंडेंस नहीं मेंटेन हो रही होगी? सो वी आर मेंटेनिंग द अटेंडेंस। ओके।